जिया ने फलकनाथ को अविनाश के नाम से चढ़ाया, मनीषा ने की अभिषेक से लड़ाई। वेल बिग बॉस के घर में हमने देखा कि अविनाश और जैद एक साथ मिलकर किचन में काम कर रहे होते हैं। वहीं पर जिया और फलकनाथ बैठकर अविनाश के बारे में बातचीत करती हुई नजर आती है। जिया कहती है कि अविनाश काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, जिसके बाद जिया अविनाश के नाम से फलकनाथ को छेड़ती हुई भी दिखाई दी। जिया कहती है कि अविनाश मेरे भाई के जैसा है और तुझे वो वैसे थोड़ा बहुत तो पसंद भी है, जिस पे फलकनाथ जिया कहती है कि उन्हें अविनाश थोड़ा बहुत पसंद है क्या। ये सवाल भी जिया फलकनाथ से कहती है, जिसके बाद फलकनाथ कहती है कि मेरी इसके साथ बिल्कुल भी कभी भी नहीं बन सकती। फलकनाथ जिया को इस बात को लेकर मारती हुई भी नजर आती है, क्योंकि जिया फलकनाथ को अविनाश के नाम से छेड़ती हुई नजर आती है। वही अविनाश बार बार फलकनाथ और जिया से पूछ रहे होते हैं कि क्या बात कर रहे थे तुम लोग। अभिषेक मनीषा एक साथ बर्तन धो रहे होते हैं, तभी मनीषा अभिषेक से शिकायत करती हुई नजर आती है कि उन्होंने जूरी के सामने उनकी इज्जत नहीं रखी और उनके दो पॉइंट्स जो वो पहले प्रूफ कर सकते थे उन्हें प्रूफ नहीं किया। मनीषा अभिषेक से लड़ती हुई भी नजर आती है और मस्ती मजाक में लड़ाई कर रही होती है। मनीषा अभिषेक के साथ काम न करने की बात भी कहती है और बिग बॉस से अभी के अभी अपने आप को कन्फेशन रूम में भी बुलाने की बात कहती है। मनीषा को अभिषेक बदतमीज तक कह देते हैं। वही मनीषा को अभिषेक बेबिका के साइड ड्यूटी अपनी चेंज कर लेने की बात कहते, जिसके बाद मनीषा से बेबिका कहती है कि तू मेरे साथ काम कर ले। ये बात सुनने के बाद मनीषा और भी ज्यादा हंसती हुई नजर आती है। वही अभिषेक मनीषा को बेबिका के नाम से और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। वही आपका जिया के फलकनाश को अविनाश के नाम पे चढ़ाने पर क्या कुछ कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।